तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी मनी ट्रांसफर करते हो तो आपको इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी और आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज आरटीजीएस और एनईएफटी। तो यहाँ पे दो माध्यम से जो है आपका पेमेंट यहाँ भेजा जाता है, एक आरटीजीएस और एक नेफ्ट के माध्यम से। तो लोग बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है आरटीजीएस। तो किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर के कई तरीके होते हैं, इनमें से एक है आरटीजीएस। आरटीजीएस जो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आरटीजीएस के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, खुद के बैंक की अन्य ब्रांच में आरटीजीएस के द्वारा मनी ट्रांसफर नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए आरटीजीएस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में होता है और आपको जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है वह भी बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। फिर बात करते हैं आरटीजीएस का फुल फॉर्म। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस को किसी एक बैंक के अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज प्रोसेस मानी जाती है। बताया जाता है कि जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने की कमांड मिलती है वैसे ही इसकी प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। सो आप सोच रहे होंगे कि मनी ट्रांसफ़र ही करना है, तो पहले बता देते हैं कि आरटीजीएस जो आप मनी ट्रांसफ़र करोगे उसमें मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपका जो है दूसरे अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 से 3 घंटा समय लगेगा है, तो मैं क्यों ना अपने UPI ID और किसी नेट बैंकिंग से ही कर दूं। तो मैं बता दूं कि UPI ID और नेट बैंकिंग से आप मिनिमम अमाउंट ही कर सकते हो, जैसे 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ही। लेकिन जो RTGS होता है उससे ज़्यादा जैसे आपको करना है, तो RTGS का मिनिमम जो है लेन देन का शुरुआत होता है 2 लाख से। यदि आपको 2 लाख मनी ट्रांसफ़र करना है किसी अन्य बैंक में तो आपको RTGS से ही करना पड़ेगा। और RTGS में मैक्सिमम जो है कोई भी लिमिट नहीं है, आप उससे मैक्सिमम कितना भी अमाउंट जो है RTGS के द्वारा किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बता दूं कि RTGS में जो है हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है ट्रांसफ़र का, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। दूसरा आता है NEFT। तो NEFT क्या है? तो NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो NEFT के द्वारा आप पूरे देश में कहीं भी आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा NEFT के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम एकीकृत किया गया है। NEFT एक 1-to-1 मनी ट्रांसफ़र प्रोसेस है। NEFT से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने के साथ ही बैंक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो RTGS और NEFT दोनों एक ही उपयोग मनी ट्रांसफ़र के लिए ही किया जाता है। आप किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र के लिए RTGS और NEFT किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है। पहला, RTGS में पैसे के ट्रांसफ़र के एक लिमिट दी गई होती है जिसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करना होता है, जबकि NEFT में मिनिमम लिमिट नहीं है। इसके ज़रिए आप 1 रुपये भी जो है 1 रुपये से लेकर अनलिमिटेड पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। RTGS मनी ट्रांसफ़र तुरंत ही हो जाता है, अधिक से अधिक 2 से 3 घंटे का समय लगता है आपको मिनिमम 2 लाख रुपये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। NEFT में आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। RTGS जो होता है पैसे के ट्रांसफ़र का टाइम सुबह 8 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक होता है, जबकि NEFT में टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का होता है। तो आई थिंक कि आपको NEFT और RTGS के बारे में डिफरेंस पता चला होगा और दोनों का काम क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।